स्पीकर एंड बिजनेस डेवलपर, और आज का टॉपिक है कि हम किन बातों का ध्यान रखें जिसके कारण हम बिजनेस में हमेशा टॉप पर रहें, यानी कि हम किन बातों को अवॉइड करें। मेन बात यह है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें किन बातों को अवॉइड करना है, हम सिर्फ अपने सक्सेस पे ध्यान देते हैं कि किन बातों को हमें सीखना है। लेकिन ये बातें भी ज़रूर जानना ज़रूरी है कि क्या बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस को नीचे ला सकती हैं या हमें नीचे ला सकती हैं। वो हर फील्ड में है, बिजनेस फील्ड में भी है और दूसरी फील्ड्स में भी है। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि जो ओहम लॉ कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी पे है, यानी कि जो चीज़ें अब ज़्यादा आती है, तो ओहम लॉ जो होता है वो बताता है कि हमें हमेशा नीचे की तरफ ज़रूर झुकना चाहिए। झुकना मीन्स वही पेड़ रहते हैं तूफानों में जो झुक जाते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे इसलिए झुकती है कि हम सही पे चल सकें, यानी कि अपना बेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा मीन्स एंगर, एंगर मीन्स हमारे दिमाग को खा जाते हैं। हम जब भी गुस्से में कोई भी निर्णय लेते हैं, हो सकता है वो गलत हो, हमारा दिमाग उस टाइम पे सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जब हम होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे कई काम होते हैं जो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम बोल देते हैं एक्साइटमेंट में, या फिर करने की कोशिश करते हैं और फिर हम हार जाते हैं। हो सकता है आप आज टॉपर पे हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है किसी फाइल को या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट आप दे दें जो कि आपके लिए फायदेमंद ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी आदमी के लिए अच्छा नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड फॉर अस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक हो सकता है। कभी भी इगोइस्ट ना बने, अहंकार आप में नहीं होना चाहिए। ये बातें कुछ ऐसी हैं जिसके कारण आदमी हमेशा पीछे रह जाता है। किसी भी आदमी में अहंकार नहीं होना चाहिए। गुस्से में कोई भी निर्णय ना ले, अपनी कंपनी का फ्यूचर लेके देख के ही सेटलमेंट करें, यानी कि डिसाइड करें क्या अच्छा है और बुरा है। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड ना करें। ओहम लॉ के अकॉर्डिंग काम करें, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें कि हाँ, हमें अपना बेस नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे लाइफ में तो हमेशा सक्सेस पाएंगे, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।